फोन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद ने एक बेसिक नियम सभी साधक भक्तों के लिए बनाया कि हम सभी को कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने के लिए हमेशा 16 माला का जाप करना चाहिए। तो कई बार हमारे माइंड में प्रश्न आता है कि ओके 16 माला देन व्हाट नेक्स्ट। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा 16 राउंड्स ऑन द बीट्स एंड इन्यूमरेबल राउंड्स ऑफ द बीट्स। दूसरे शब्दों में 16 माला माला पर होनी चाहिए, इसके अलावा और माला जो है आप उनको माला पर कर सकते हैं, या आप माला पर नहीं भी कर पाते तो नो प्रॉब्लम, आप और माला को इन्यूमरेबल राउंड्स को ऑफ द बीट्स कर सकते हैं। तो अगेन माइंड में प्रश्न आएगा कि ओके हम कैसे करें, अब हमें प्रचार करना चाहिए या माला करनी चाहिए, माइंड में क्वेश्चन आया। सो यस, ये क्वेश्चन वैलिड है, रेलिवेंट है। द प्रिंसिपल इज प्रभुपाद जो हमें सिखाना चाह रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि इन्यूमरेबल राउंड्स ऑफ द बीट्स। एक्चुअली हम जो भी सेवा करते हैं, हम कृष्ण भावनामृत में अलग अलग प्रकार की सेवाएं करते हैं, जैसे डिवोटीज प्रसादम बनाते हैं, हरिनाम संकीर्तन पे जाते हैं, भगवद गीता के प्रवचन को सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ये जितनी भी सेवाएं हैं अलग अलग सेवाएं, इन सभी सेवाओं का लक्ष्य क्या है हमें उसके ऊपर विचार करना होगा। उस समय हम माला तो नहीं कर रहे होते, उस समय हम उस पर्टिकुलर सेवा के ऊपर फोकस करते हैं। मंदिर में झाड़ू लगाना, मंदिर में पोछा लगाना, ये सब क्या है, ये सब सेवाएं हैं। तो क्या ये इन्यूमरेबल राउंड्स ऑफ द बीट्स की कैटेगरी में फॉल करेंगी? सेवाएं हैं, इन्यूमरेबल राउंड्स ऑफ द बीट्स की कैटेगरी में फॉल करेंगी या नहीं करेंगी? ये बिल्कुल इन्यूमरेबल राउंड्स ऑफ द बीट्स की कैटेगरी में फॉल करेंगी। तो आप कहेंगे प्रभु जी ये कैसे पॉसिबल है? ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि अल्टीमेटली हम कृष्ण भावनामृत में जितनी भी सेवाएं करते हैं, चाहे हम प्रवचन दे रहे हैं, चाहे हम प्रसाद ले रहे हैं, चाहे हम भक्तों के साथ मिलकर कीर्तन कर रहे हैं, चाहे हम पुस्तकों का वितरण कर रहे हैं, उन सभी सेवाओं का अल्टीमेट जो लक्ष्य है वो ये है कि हमें अपनी चैंटिंग में रुचि विकसित करनी है। दूसरे शब्दों में वो जितनी भी सेवाएँ हैं वो सभी सेवाएँ हमारी चैंटिंग को सपोर्ट करेंगी। तो इसीलिए कहते हैं कि 16 माला ढंग से माला के ऊपर हो, और उसके अलावा जो भी सेवा हम कर रहे हैं वो इन्यूमरेबल राउंड्स की कैटेगरी में आ गई। और उस समय हम ऐसा नहीं कि माला लेके घूम रहे हैं सभी, उस समय हम सेवा के ऊपर फोकस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हम वो सेवा? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा भगवान के नाम में आकर्षण बढ़े, भगवान के नाम में रुचि विकसित हो, हम भगवान के नाम को और ज़्यादा करना चाहें, अधिक से अधिक करना चाहें। उसी लिए श्रील प्रभुपाद ने कहा कि इन्यूमरेबल राउंड्स ऑफ द बीट्स। तो एक भक्त जो होता है जिसने अपने जीवन को पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित कर दिया होता है सेवा के माध्यम से, वो अपने जीवन में प्रैक्टिकली हमेशा माला का जप कर रहा होता है। वो जब जागता है, सोता है, चलता है, खाता है, पीता है, नहाता है, धोता है, जो भी वो क्रिया अपने जीवन में कर रहा है वो अल्टीमेटली इन्यूमरेबल राउंड्स ऑफ द बीट्स की कैटेगरी में ही आएगी। क्योंकि लक्ष्य तो एक ही है कि अपनी चैंटिंग को इम्प्रूव किया जाए किसी भी प्रकार से, जो कि एक मुश्किल प्रोजेक्ट होता है डिवोटीज की लाइफ। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।